हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति शर्मा, आई एम बैक अगेन एंड शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी ज़रूर होगा कि कौन सा था वो बम, क्या बड़ी बात थी जिसकी वजह से अब मेरे हस्बैंड और मेरी मदर लॉ को हमसे अलग रहना पड़ रहा है और मैं इधर अपने दो बच्चों और अपने पेट के साथ रह रही हूँ। तो इस बारे में भी बात करेंगे और हम इस बारे में आज मेरा डेली रूटीन कैसा रहा और मैंने उसमें क्या क्या किया, जो मेरे टारगेट्स थे क्या मैंने कंप्लीट किए। ये मेरी एक कोशिश है अपने डेली व्लॉग को यूट्यूब पे दिखाने की, तो आई होप यू विल सपोर्ट मी एंड रेस्ट वी विल टॉक अबाउट अ पेरेंटिंग टिप एज वेल। और ये पेरेंटिंग टिप बहुत कमाल का है, मेरे भी काफ़ी काम आया एंड आई होप कि आप लोगों के काम भी आएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए प्लीज़ एंड यू विल रियलाइज दैट वट एवर आई हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो वॉज एक्चुअली वर्थ वॉचिंग। और अगर नहीं भी लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। तो लेट्स सी आज क्या था और हमने क्या किया। आज वीनू को कोचिंग भेजने के बाद कुछ काम खत्म करने हैं ताकि उसकी कोचिंग से आने से पहले पहले हम वापस घर आ जाएं। सलोनी की फेयरवेल आने वाली है 8 अप्रैल को, तो उसके लिए एक साड़ी रेडी करानी है, ब्लाउज स्टिच करने के लिए देना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीनू को कोचिंग भेजने से। उसे ब्रेकफास्ट करके बना के देते हैं, वो कर लेगा और कोचिंग चला जाएगा। और फिर हम फटाफट घर की सफाई करेंगे क्योंकि आजकल मेड छुट्टी पे है। उसके बाद हम भी ब्रेकफास्ट करेंगे, मैं और सलोनी, और जाएंगे मार्केट। शिरो वीनू को जगाने गया है। शिरो वीनू को जगा ले, जगा लो वीनू भैया को। तो कल जब मैंने आप लोगों को बताया कि हम तीन लोग यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं और मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ जयपुर में, तो मेरे हस्बैंड ने वो यूट्यूब वीडियो देखा और मुझे कॉल किया और मुझसे नाराज़ हुए कि तूने शिरो का नाम क्यों नहीं लिया, शिरो भी तो तुम्हारे साथ रहता है। और मैंने अपनी गलती रियलाइज़ की, जी हाँ हमारे साथ ये शैतान भी रहता है। हमारे पेट का नाम है शिरो। शिरो हाय, गुड मॉर्निंग। शिरो ये सोक्ड बादाम खा के अपनी सेहत बना रहा। शिरो कैसा लगा? अच्छा, याददाश्त तेज हो जाएगी अब शिरो की। मैं और सलोनी खाने वाले हैं घिया का पराठा। ये मैंने सिंपल आटा लगा लिया है, घिया को कद्दूकस कर लिया है और अब इसको निचोड़ लेंगे और अलग एक बोल में निकाल लेंगे और इसके अंदर एक छोटा प्याज काट के बारीक तड़के जैसा, जैसे हम तड़के के लिए काटते हैं वैसे, इसमें डाल के और इसकी फिलिंग बना लेंगे। क्योंकि हमें सलोनी का ब्लाउज स्टिच करने के लिए देके आना टेलर को, 8 अप्रैल को इसकी फेयरवेल है। तो जब इसकी फ्रेशर्स थी तब भी मेरी पूरी भागदौड़ हुई थी, पता नहीं इसको क्या चाहिए था। फाइनली घर से ही मेरी ब्लैक साड़ी पहन के गई थी और गेस व्हाट, अभी भी ये ब्लैक साड़ी पहन रही है। जस्ट दैट इस बार अपनी खुद परचेज करके लाई नहीं, मतलब मैं लेके आई हूँ इसके लिए और हम इसका ब्लाउज स्टिच करने लेके देने जा रहे हैं। लेट्स सी 8 अप्रैल तक, आई मीन 7 अप्रैल तक हमें बुटीक वापस दे देता है कि ब्लाउज। चलते हैं, ये भी काम करके आते हैं, ये भी करते हैं। और आपको हम ये भी दिखाते हैं कि वीनू कुक कर रहा है अपने लिए पास्ता, तो कैसा चल रहा है, कुकिंग कैसी जा रही है। मास्टर शेफ वीनू इज एट वर्क ऑल्सो। ये कैसा रिएक्शन है? ये डाल देंगे हम कि पता भी तो चले हमारे घर में एक ऐसा भी प्राणी है जो हमें ऐसे बोलता है। चलो लेट्स गो। तो आज का दिन हमने जैसे प्लान किया था वैसा स्पेंड हुआ। हम फाइनली सलोनी का ब्लाउज टेलर को दे आए ताकि 7th को मिल जाए। आई एम सॉरी, मैं टेलर के शॉप का वो वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं एक्चुअली भूल ही गई थी, लेकिन अब मैं रेडी प्रोडक्ट आपको दिखा दूंगी। तो मीनवाइल आपने देखा होगा कि मेरा बेटा वीनू किचन में कुछ कुकिंग कर रहा था, तो वो बेसिकली अपने लिए पास्ता बना रहा था क्योंकि रेगुलर खाना पीना बच्चों को संभव पसंद ही नहीं आता। दिन में सिर्फ एक बार वो सब्जी रोटी दाल रोटी आराम से खा सकते हैं, दूसरी बार उनको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा आइटम चाहिए होती है। सो आई ट्राई एंड अवॉइड टू बाय थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, जो बहुत सक्सेसफुल नहीं रह पाती मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जब भी हो पाती हूँ तब फिर मैं इनको इनकरेज करती हूँ कि वो खुद से घर में कुछ कुक कर ले। तो या तो मैं कुक कर देती हूँ या फिर वो बच्चे खुद कुक कर लेते हैं। हैविंग सेड दैट,
आई वुड रियली लाइक टू शेयर वन मोर पेरेंटिंग टिप हियर. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो बहुत फैमिलीज में ऐसा होता होगा कि आप बच्चों को अब जानते हैं पेरेंटिंग के बारे में, क्योंकि अब जो पेरेंट्स हैं, मेरे साथ वाले जो पेरेंट्स हैं, वो ऑलरेडी खुद भी एजुकेटेड हैं. दे डिड देयर स्कूलिंग, दे डिड देयर कॉलेज, एंड नाउ दे नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट पेरेंटिंग इन अ चाइल्ड्स लाइफ. तो मोर और लेस वो अच्छे से कर ही रहे हैं. बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए भी, बच्चों के लिए भी, मैं वो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ. तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड वाइल रेजिंग आवर चिल्ड्रन इज टू मेक देम इंडिपेंडेंट. और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन द चाइल्ड इज वेरी स्मॉल, बहुत थॉटफुल रहना पड़ता है अपने ज़्यादातर एक्शंस में, कि आपको पेरेंट बनना छोड़ना पड़ता है. पेरेंटिंग के लिए आपको पेरेंट बनना छोड़ना पड़ेगा, जहाँ पे आप रेडी रहते हो बच्चे की हर एक्शन पे उसको गाइड करने के लिए, या उसकी गलतियाँ रियलाइज़ करवाने के लिए, या ये देखने के लिए कि बच्चा सब कुछ ठीक करे, कुछ गलत ना हो जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हम बिगनिंग से, जब बच्चे भी बहुत छोटे हैं, 2 साल के 3 साल के, तब तो हम ये कर सकते हैं कि उनको उनकी फूड चॉइसेस दें. लेकिन ये ना पूछे कि क्या खाओगे बेटा, ये नहीं पूछना. ये पूछना है कि बेटा आप दाल चावल खाओगे या सब्जी रोटी खाओगे. देर आर टू ऑप्शंस, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आपके लिए फिजिबल है और जो आपको लगता है बच्चे के लिए न्यूट्रिशनली फिट है. तो अब जब ये पूछोगे बेटा क्या खाओगे, तब तो वो पिज्ज़ा या बर्गर ही बोलेगा. और अगर 2-3 ईयर्स का बच्चा है तो वो मैगी बोल देगा, वो और कुछ ऐसी चीज़ बोल देगा जो उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. आप तो अरेंज कर देंगे बीइंग अ पेरेंट, लेकिन वो हो सकता है उसकी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो. तो जब डिसीजन मेकिंग करवानी है बच्चे से, तो अपनी चॉइस की ऑप्शंस दीजिए, अपने जो करेक्ट है बच्चों के लिए वो ऑप्शंस दीजिए कि बेटा दाल चावल खाओगे या सब्जी रोटी खाओगे. नहीं, कुछ मीठा खाने का मन है मम्मा, तो मीठे में लेट्स सी, आप हलवा खाओगे या मैं आपके लिए मीठे चीले बना दूँ या पैनकेक बना दूँ, या आप कहोगे तो मैं मफिन्स बना दूँगी घर में. जो भी आपको लगता है कि आपके लिए फिजिबल है, इनमें से जो भी ऑप्शन. एक ये तो हो गया 2-3 ईयर्स के बच्चे के लिए. फिर जैसे जैसे, और ये सिर्फ खाने की बात ही नहीं है, 2-3 साल के बच्चे से आप ये भी पूछ सकते हैं कि बेटा आज संडे है तो घूमने के लिए आप मेरे साथ पार्क चलोगे या हम नानी हाउस जाके आएं. 2 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस जो आपके लिए करना जायज़, करना पॉसिबल है और बच्चे के लिए जायज़ है. आप अगर उसे पूछोगे कि बेटा मूवी चलें या बर्गर किंग चलें या मॉल चलें, तो ऑफकोर्स वो उसी में से चूज़ करेगा. तो गिव देम राइट चॉइसेस, और जो आप कर सकते हैं प्रॉपरली वो. फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, तब उनको फ्रीडम देनी है टू ट्राई थिंग्स ऑन देयर ओन. तो जब वो कुछ अपने आपसे चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, वेट अ मोमेंट, लगता है शीरो को कुछ चाहिए. 1 मिनट. फिर बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं, वो अडोलेसेंट एज में एंटर करते हैं, तो उनको लगता है कि वो तो अब बड़े ही हो गए हैं, तो उनको सब कुछ ही करना. तो तब उनको फ्रीडम दीजिए काम करने की, कोई भी काम हो, कुछ भी करना है. मान लो उनको अपना बेड ही बनाना है, तो उनको बनाने दीजिए और उनको करेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए प्लीज़. ये तो खैर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी, हो सकता है अपनी चॉइस से ना ही बनाए बेड, लेकिन जब आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि चलो उठो आप अपना बेड बनाओ, तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट में मैं आज या तो पोहा बनाऊंगी या इडली सांभर, आपको क्या खाना है? अच्छा इडली सांभर खा लेंगे, ठीक है चलो इडली सांभर बना लेते हैं. ठीक है, तो फिर उसकी जो उसने अगर कुछ चूज़ किया तो उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है, बेड जैसा भी बनाया है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उसको बोलना नहीं है कि आपने गलत किया, ये किया, वो किया. नेक्स्ट टाइम से जब वो करने लगे, तो उससे पहले उसको थोड़ी सी टिप्स दे सकते हो, और एल्स धीरे धीरे वो सीख भी जाएगा. द सेकेंड थिंग, जैसे आज मैंने अपने बेटे के साथ किया कि मैंने उसको एनकरेज किया कि अगर कुछ खाना है, अलग खाना है जो हम लोग ने नहीं बनाया डिनर में, तो यू हैव टू मेक इट ऑन योर ओन. आ गए हो आप. मैंने अपने बेटे के साथ आज ये किया कि डिनर में जो भी कुछ बन रहा था उसको पसंद नहीं था, उसको नहीं खाना था. तो उस एक्चुअली बन तो दाल चावल रहे थे, लेकिन उसने बोला कि आज मुझे नहीं खाने, वैसे उसको दाल चावल पसंद था. तो अगर आज नहीं खाने तो फिर आप देखो भी क्या करना है. तो मैं अपने लिए पास्ता बना लूँ, मैंने कहा अच्छा चलो बना लूँ. देन ही मेड पास्ता फॉर हिमसेल्फ. उसके बाद उसने अननेसेसरी बर्तन कर दिए
जैसे एक स्पून से पास्ता उसमें बॉईल कर रहा था तो तब यूज़ किया, फिर उसको रख दिया, फिर दूसरा स्पून उठाया उसका मसाला सौते करने के लिए, फिर उसको रख दिया, फिर उसके अंदर जो दूध डाला वो थोड़ा स्पिल हो गया वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, फिर जो चीज़ें मतलब मुझे समहाउ मेरा वर्क स्टाइल नहीं है वैसा उसने काम किया। उसके बाद जब उसने खा लिया फिर मैंने उसको बोला कि नाउ गो एंड क्लीन द किचन, तो एंड ही डिड क्लीन द किचन। तो उसके बाद उससे मुझे लगा कि जब मैंने उसको ये फ्रीडम दी कि अपनी चॉइस का कुछ खाना बना ले, तो उसने चाहे कुछ मिस्टेक्स की बट ही लर्न्ड समथिंग। नेक्स्ट टाइम अगर आज उसे नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट टाइम उसको पता है कितना डालना है। आज अच्छा वो हम मुझसे ज़्यादा अच्छे से काम करता है, वो मेजर करके काम करता है चीज़ों को। पास्ता मेजर कर लिया, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डाली, तो ये भी उसकी एक्सपर्टीज़ होती जाएगी धीरे धीरे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बच्चों को काम करने की फ्रीडम देते हो, उनको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, उनको हर पॉइंट पे टोकते नहीं हो, या उनको ज़रूरत से ज़्यादा सेफ गार्ड करने की कोशिश नहीं करते, गाइड करने की कोशिश नहीं करते, या बहुत ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश नहीं करो आप कि भाई नहीं ये तो ऐसा ही करता है कर लेगा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करें आप, तो फिर आपको देखिएगा योर चाइल्ड विल बिकम टोटली अ डिफरेंट पर्सन, बहुत इंडिपेंडेंट। और उसके अलावा जो मैंने लास्ट आपको टिप दिया था कि आप ट्रस्ट कीजिए अपने बच्चे पे, तो आप एक तरफ अपने बच्चे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, दूसरा आपने उसको इंडिपेंडेंट बना दिया है, तो आप समझ लीजिए एक बहुत ही अच्छा बच्चा आप रेज कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं पेरेंटिंग टिप देती रहूँगी आपको, और वो टिप्स ऐसे हैं कि मैं अपने आप को कुछ एक्सपर्ट इन पेरेंटिंग नहीं मान के चल रही हूँ, बट दे आर वर्किंग विद मी एंड माई चिल्ड्रन, सो आई थिंक दोज आर रियली गुड टिप्स एंड यू शुड ट्राई योर चिल्ड्रन टू। रेस्ट, आपको ये सब चीज़ें कैसी लग रही हैं, मेरा डेली व्लॉग कैसा लगा, एंड प्लस दिस पेरेंटिंग टिप, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इट विल मोटिवेट मी टू कम अप विद मोर आइडियाज़। जब मैं अपनी हॉबीज़ की बात कर रही थी तो उसमें एक हॉबी ये भी थी कि मैं काउंसिल करूँ लोगों को, तो काउंसलिंग में मुझे लगता है कि मैं ना हर एक पार्ट की बात सुन पाती हूँ कि देर आर टू पार्टीज ऑलवेज वेन देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, तो मैं समझ पाती हूँ उनके उनके शूज़ में अपने आप को रख के कोशिश करती हूँ सोचने की, तो मैं शायद आई कम अप विद बेटर सोल्यूशन। सो यस, काउंसलिंग इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़, रेस्ट ऑफ द हॉबीज़ विल कीप टॉकिंग इन लेटर वीडियोज़। तो बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जो मैंने बताया मेरी लाइफ में एकदम से सडनली आई, और जिसकी वजह से मेरी मदर लॉ और मेरे हस्बैंड को अलग से रहना पड़ रहा है जयपुर में और हम यहाँ पे हैं। तो वो कुछ ऐसा था कि घर में हमारे क्लोज रिलेशन में, एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ उनके बेटे और उनकी हस्बैंड की डेथ बहुत छोटे समय में, यानी 4 मंथ्स के गैप से हो गई। पहले बेटा एक्सपायर हुआ मार्च मंथ में और फिर उनके हस्बैंड चले गए अगस्त मंथ में, तो जिसकी वजह से वो इतना बड़ा सेटबैक है कि इसके पीछे एक होल बिग स्टोरी है, मैं उस बारे में भी आपसे बात करूँगी, हो सकता है आप लोगों से कुछ मुझे एडवाइस भी मिल जाए, सजेशंस भी मिल जाए हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, क्योंकि अभी हम अपना बेस्ट पॉसिबल ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं कि चीज़ें हम कितनी सॉर्ट कर पाते हैं अपने लेवल पे। तो उन चीज़ों के लिए मेरे हस्बैंड वहाँ पे हैं, मेरी मदर लॉ वहाँ पे हैं और हम यहाँ पे हैं, तो इट्स बीन मोर देन 6 मंथ्स नाउ दैट वी हैव बीन मैनेजिंग दिस काइंड ऑफ सेटअप विद इन आर फैमिली। आई होप एवरीथिंग गोज़ वेल नाउ ऑनवर्ड्स विद माई सिस्टर इन लॉ, और सब कुछ चीज़ें लाइक दे स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस सून, तो तब तक हम लोग ऐसे करेंगे मैनेज एंड आई डोंट माइंड, क्योंकि मेरी फैमिली ही है तो ऑफ कोर्स हमें किसी न किसी तरीके से तो मैनेज करना ही है, तो वी आर डूइंग आर बेस्ट। बाकी इस बारे में डिटेल में आगे ज़रूर बात करेंगे हम लोग, इस बारे में कुछ हो सकता है किसी अच्छे यू नो वी आर एबल टू मेक आउट सम बेटर वे टू हैंडल ऑल सच थिंग्स। तब तब के लिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ स्टे विद मी, हैव पेशेंस, रिमेन विद मी, ताकि हम लोग मिलजुल कर कुछ लाइफ में बड़ा कर पाएँ, ग्रो